तो हेलो मेरे की फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपी बी टूजल। तो दोस्तों, आ चुका है आप लोगों के पास नया वीडियो लेके। तो जो दोस्तों नया वीडियो का जो लेट आने का मेरा रीज़न ये था कि लगभग एक हफ्ते बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो लेट आने का रीज़न दोस्तों ये था कि मैं आज लगभग 3 4 दिन से काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ अपने पर्सनल काम से, जिसके वजह से मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बना पाऊँ या फिर जो भी हो। तो ये मेरे पास 3 4 दिन से कंपनी ने भेजा है एक प्रोडक्ट रिव्यू के लिए। तो इसके बारे में मैं आज डिस्कशन करूँगा और इसका जो इंस्टॉलेशन, प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन बताऊँगा, और ये जो कंपनी क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराता है या फिर क्या क्या फीचर देता है और क्या वारंटी गारंटी देता है, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रब्बा तेरे अगे अर्जी में करदा, कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा जया मंगदा। रब्बा तेरे अगे अर्जी में करदा, कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा। तो पैकेजिंग वाइज बात करें तो काफ़ी सिंपल सा पैकेजिंग कंपनी ने प्रोवाइड किया है। काफ़ी सिंपल मैकेनिज्म, मतलब कि जो भी पैकिंग है वो काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कोई उसमें ये नहीं है आपका। और ये कुछ आपका फीचर, हाइलाइटेड फीचर आपको वीडियो पोस्ट करके आप देख सकते हैं। और वैसे मैं जो भी इसका हाइलाइटेड फीचर है वो बता देता हूँ। इसका वाटर प्रूफ है और 1 साल का वारंटी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेड इन चाइना का जो भी प्रोडक्ट है ये, तो मैटर ये नहीं करता है कि मेड इन चाइना है या फिर मेड इन जापान है। जो प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी है वो कंपनी को पता होगा, इसलिए उसने 1 साल का वारंटी जो भी दिया है वो कहीं ना कहीं कंपनी को पता होगा कि प्रोडक्ट कितने दिन तक चल सकता है, इसलिए उसने 1 साल का वारंटी दिया है। तो यहाँ पे काफ़ी एल्युमिनियम हाउसिंग दिया गया है, तो जिसके वजह से कूलिंग बढ़िया होगा एलईडी में। आपको पता होगा कि पीछे का साइड थोड़ा सा इसका हीट होता है एलईडी में। तो आइए इसमें खोल के बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे इसको खोलते हैं, पहले देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है इसके अंदर। काफ़ी ज़्यादा वही याद मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ किसी भी प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे पैकिंग में और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये एलईडी जो लाइट मिल रहा है, तो वो एलईडी लाइट का जो पीछे का एल्युमिनियम केसिंग है उसके ऊपर ये आपको 3M का तो टेप नहीं है लेकिन डबल साइडेड टेप है, जिसके वजह से आप चिपका सकते हैं यहाँ पर और इसको आप गाड़ी में चिपका सकते हैं ले जाके। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं आया दोस्तों, ये जो इसका जो एक सेकेंड, इसका जो ये तार है, इसका जो ये वायर है, उसका थोड़ा बहुत मतलब कि ये है आपका काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिया गया है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे डायरेक्ट यहाँ से निकाल के पहले मुझे सोल्डरिंग बढ़िया वाला तार करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। क्योंकि इसका जो ये क्वालिटी है ये काफ़ी चीप क्वालिटी है, ये तार का क्वालिटी काफ़ी चीप है। तो इसको मैं पहले सोल्डरिंग करवा दूंगा, उसके बाद ही मैं इसका यूज करूंगा, क्योंकि ऐसे तो यूज करूंगा नहीं मैं, क्योंकि इसका जो जो भी क्वालिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी काफ़ी चीप है एकदम। यहाँ पे मैंने जुगाड़ लगा रखा है, वहाँ पे सोल्डर मशीन गर्म हो रहा है। यहाँ पे मतलब इस जो वायर है, ये जो काफ़ी चीप क्वालिटी का वायर है, उसको चेंज करने के लिए उसके बदले में मैं इस हाई क्वालिटी वायर, मतलब कि ये जो वायर है इसका यूज करूँगा मैं, फुल कॉपर वायर है ये। तो इसको खोलने का जो तरीका है दोस्तों, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 है, यहाँ पे आप इसको हटाइएगा, आप इसको ऐसे मतलब कि ऊपर की तरफ पुल कीजिएगा, तो ये काफ़ी इजीली बाहर आ जाएगा आपका एलईडी, वो भी एकदम सुरक्षित बाहर आ जाएगा, आपको थोड़ा भी डैमेज नहीं होगा उससे। तो इसको पहले मैं निकालता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि जितना चारों क्लिप है उसको मैंने सीधा कर दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप एलईडी को पीछे के साइड में पुश कीजिएगा तो ये काफ़ी इजीली बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा पुश किया हूँ तो ये काफ़ी इजीली बाहर आ गया है। और यहाँ पे आपको शोल्डर का जो भी है ये कनेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो रेड वायर है वो प्लस में और ब्लैक वायर है वो आपका माइनस में लगाना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने उसको अच्छी तरह से सोल्डरिंग करवा दिया है, देख सकते हैं आप, बढ़िया क्वालिटी का तार लगवा दिया है मैंने यहाँ पे। अब इसको असेंबल करते हैं दोस्तों। गाड़ी तो पूरा खुल चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर ये दो लाइट है तो मैं सोचा था यहाँ पे लगाने के लिए, तो यहाँ पे लगाने से ये जो भी है वो लाइट का व्यू ब्लॉक करेगा और लाइट का काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा, क्योंकि इसके वजह से नीचे वो शेडो बनेगा जिसके वजह से काफ़ी ख़राब लगेगा वो। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो टंकी के नीचे वाला कंपार्टमेंट होता है उसमें लगाऊँ इसको, जो टंकी के नीचे कंपार्टमेंट होता है, दो दो लाइट मतलब कि दो लाइट लगेगा, दोनों दो साइड में लग जाएगा। मैं ये सोचा था कि एक सामने से लगाऊं और एक पीछे लगाऊं,
यहाँ पे, तो यहाँ पे मानता हूँ कि ये वाटरप्रूफ है, लेकिन वो कितना भी गंदगी हो जाएगा जिसके वजह से ये लाइट प्रॉपर तरीके से स्प्रेड नहीं कर पाएगा, और वो काफ़ी बुरा भी लगेगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा गंदगी हुआ था, आप कितना ज़्यादा गंदा हो गया ये। तो ये चीज़ पे आपका थोड़ा ध्यान देना है कि कहाँ लगाना है इसका। उसके बाद इसका वायरिंग का जो भी प्रोसेस है वो आपको मैं समझाता हूँ पहले। तो यहाँ पे दोस्तों मैं समझाता हूँ टंकी या किस कंपार्टमेंट का बात कर रहा था। तो यहाँ पे जो इसको उठाने के बाद ये जो आप देख सकते हैं, दिखा रहा हूँ मैं, ये जो आपका कंपार्टमेंट है, ये यहाँ पे जो ये कंपार्टमेंट है यहाँ पे लगाऊंगा मैं इसको, दोनों साइड लगा दूंगा इसको मैं। उसके बाद तो दोस्तों बात कीजिए इसके वायरिंग के ऊपर। यहाँ पे आपका आप देख सकते हैं कि टंकी के नीचे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लग चुका है। तो मैं यहीं पे क्यों लगाया हूँ, और भी जगह था मेरे पास लगाने के लिए, तो मैं यहीं पे क्यों लगाया हूँ। तो दोस्तों इसका रीज़न ये है कि मानता हूँ ये वाटरप्रूफ है, लेकिन पूरी तरह से वाटरप्रूफ नहीं होता है। यहाँ पे जो पानी जो होता है, हम गाड़ी भी धोते हैं या फिर जो भी करते हैं, या फिर छींटा भी पड़ता है गाड़ी अगर रेनी सीजन में चल रहा है, तो यहाँ पे जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा कम जाता है, मतलब जाता ही नहीं है, या फिर रेयरली चांस होता है कि वहाँ पे पानी जाता है आपका। तो इसलिए मैं यहाँ पे लगाया हूँ, और यहाँ से जो लाइट है वो प्रॉपर तरीके से नीचे आराम से वो स्प्रिट होगा। तो यही रीज़न था दोस्तों कि मैं यहीं पे लगाया हूँ। तो इसके वायरिंग के ऊपर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड वाला यहाँ पे लगा हुआ है। तो इन दोनों का जो भी कनेक्शन है वो दोनों मिला के एक कर दिया हूँ मैं, तो ये कनेक्शन आपका यहाँ आने वाला है। तो यहाँ पे क्यों आ रहा है दोस्तों, मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग गाड़ी में जानते हैं कि ये जो हाफ लाइट होता है यहाँ पे अगर हाफ लाइट जलाएंगे तो ये जो मीटर में लाइट जल जाता है, तो मीटर में लाइट जलने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला लाइट जलेगा, और साथ ही साथ ये नंबर प्लेट वाला लाइट भी जलता है। तो नंबर प्लेट वाला आपको बस करना ये है कि ये नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है उसका जो कनेक्शन है वो ढूंढ लेना है। तो वो मैंने ढूंढ के निकाला है यहाँ पे, तो आप रुके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो है दोस्तों, ये जो नंबर प्लेट वाला है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नंबर प्लेट वाला है आपका। तो ये नंबर प्लेट वाला है आपका, तो ये नंबर प्लेट वाला आपको ढूंढ लेना है, और इसके नेगेटिव पॉजिटिव में आपको ये वाला जो वायर है वो लगा देना है आपको। तो लगा देता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका नंबर प्लेट का भी लाइट जल रहा है, जो एलईडी मैंने लगाया था, तो यहाँ पे नंबर प्लेट का भी लाइट जल रहा है, और वहाँ पे वो भी जल रहा है। तो ये जो है आपका डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट है। तो ये अगर बंद करूँगा मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये भी बंद हो जाएगा। तो इसका मोटिव दोस्तों ये था कि मेरा कि ये जो भी है ये शाम के वक्त जलने से ये फ़ायदा होगा कि ये आपका DRL का जो लाइफ है वो भी बढ़ जाएगा, और जो आपके हाथ में उसका स्विच होगा लाइट के साथ वो भी जलेगा। अगर हाफ लाइट जलाएगा तो ये जल जाएगा, और आपका जो हाफ लाइट में मीटर का लाइट ब्लू, ये भी ब्लू, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये जो भी आपका वायरिंग गाड़ी में करते हैं आप, तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है उसको प्रॉपर तरीके से टेपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपसे, तो ये इसका रीज़न ये है दोस्तों, जो गाड़ी का जो भी पॉजिटिव टर्मिनल है वो तो वायरिंग के द्वारा जाता है, लेकिन जो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आता है आपका बॉडी में, उसको ग्राउंड कर दिया जाता है या फिर बॉडी में दे दिया जाता है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका वायरिंग सही है, टेपिंग सही नहीं है, तो अगर उसका पॉजिटिव टर्मिनल गाड़ी के किसी भी मेटल पार्ट से वो अगर सीधे संपर्क में आता है, तो वो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाता है, और होगा ही होगा, पक्का होगा वो, क्योंकि अगर आपने टेपिंग सही से नहीं किया है तो शॉर्ट सर्किट काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाता है, जिसकी वजह से आग भी लग सकता है गाड़ी में, और पेट्रोल टंकी के नीचे ये सब जो भी कारनामा होगा तो वो खतरनाक ही होगा। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप गाड़ी में जो भी छेड़छाड़ करते हैं या फिर वायरिंग में जो भी चेंजेस करते हैं, उसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करना है आपको ये कि जो भी आप कर रहे हैं नंगा तार नहीं छोड़ना है उसको, मतलब कि उसको प्रॉपर तरीके से टेपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को प्रॉपर तरीके से टेपिंग करने के साथ साथ नेगेटिव टर्मिनल को भी प्रॉपर तरीके से, क्या पता वो पॉजिटिव में जाके कहीं वो हो जाए, चिपक जाए, तो फिर तो दिक्कत हो सकता है, उसमें शॉर्ट सर्किट का काफ़ी ज़्यादा इशू होगा। क्या पता आपका पूरा वायरिंग डायग्राम, जो गाड़ी में आपका पूरा वायरिंग जो सिस्टम होता है वो पूरा जल जाए, मैंने देखा है ऐसे होते हुए। इसलिए मैं आपसे ये रिकमेंड करता हूँ, मैं हमेशा से आपको सेफ रहने का कोशिश करता हूँ, आपको सेफ रखने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मेरा नया अपडेटेड वीडियो है, जो भी गाड़ी में मॉडिफिकेशन के ऊपर जो भी अपडेटेड वीडियो है, आप तक तो सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।